हेलो गाइस, टैरिट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट रीडिंग करने जा रही हूँ और ये टाइमलेस रीडिंग है। आइए देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप अभी इस वक्त सोच रहे हैं, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, वो पर्सन अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं? अभी इस वक्त वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? विल टेक ओनली टू कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज है? ओके, हमें तीन कार्ड मिल गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमेन, मतलब कि जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, वो पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। वी हैव द टेम्पल पाथ, वी हैव यिन एंड यांग, फोर्थ चक्रा एंड वॉकिंग अवे। हो सकता है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एज 22, 27, 38, कुछ लोगों की बिलो 22 भी हो सकती है, कुछ लोगों की अबव 47 भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर निकल कर आया है। हो सकता है आप में से कई लोगों के पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 हो, 3 हो, 2 हो, 9 हो। यस, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ निकल कर आई हैं। उनका मंथ ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यहाँ पर जो मैसेज है आपके पर्सन का, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप जानना चाहते हैं कि अभी आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि क्या आपको उनसे भगवान ने मिलाया है, क्या ये जो रिश्ता है आपके साथ, ये जो जर्नी है आपके साथ, जो इतने सालों से या महीनों से आप दोनों का साथ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो इन्हें ऐसा लगता है कि ये कितना भी आपसे दूर चले जाएं या चले जाएं, कितना भी आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, कितना भी इस रिश्ते को धुतकारने की कोशिश करें कि नहीं, मैं इस रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता, या नहीं, इस रिश्ते में मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या ठीक है आपको इग्नोर करने की कोशिश करें, जबकि इनको आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, फिर भी अगर ये अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं इन सब लव लाइफ से, तो भी ये रिश्ता क्यों नहीं टूट रहा? ये खुद से ये चीज़ें पूछ रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं लगातार कि आखिर ऐसा क्या खास है इस रिश्ते में। इनके लाइफ में हज़ारों लोग आए होंगे, हज़ारों लोग गए होंगे, बचपन से आज तक बहुत सारे दोस्त बने होंगे, बहुत सारे दुश्मन भी बने होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लाइफ में रिलेटिव रहे होंगे जो एक टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे, बहुत सारे ऐसे कजन्स भी रहे होंगे जो एक टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, बट अभी वो कहाँ हैं, किस लाइफ में हैं, कहाँ बिजी हैं, उनकी अपनी क्या पर्सनल सिचुएशंस हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। बट आपके साथ ऐसा क्या है जो ये आपको भूल नहीं पाते? 24/7 अगर आप बीमार पड़ते हो, आपको तकलीफ़ होती है, तो धड़कन इनकी तेज़ हो जाती है। अगर ये किसी तकलीफ़ में है तो धड़कन आपकी तेज़ हो जाती है। ये मूव ऑन भी करते हैं तो पलट कर पीछे आपको देखते हैं या देखती हैं। ये चाहें भी तो आपसे दूरियां नहीं बना पाते हैं, लौट कर वापस आपके पास इन्हें आना ही पड़ता है, लौट कर वापस इन्हें आपको अनब्लॉक करना ही पड़ता है, आपकी तरफ मैसेजेस भेजने ही पड़ते हैं, आपका हालचाल लेना ही पड़ता है। तो ऐसा क्या है खास इस रिश्ते में? और जवाब भी इसी में छुपा हुआ है। इस रिश्ते में जो खास है वो है बैलेंस। आप दोनों जब तक साथ नहीं होंगे, आप दोनों जब तक एक नहीं होंगे, आप दोनों जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, आप दोनों अपने आप में इनकम्प्लीट फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो अधूरा है आपकी लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जो आपको चाहिए वो चीज़ आपके पास नहीं है, और जो उन्हें चाहिए वो चीज़ उनके पास नहीं है, और कोई भी दुनिया की धन दौलत उस चीज़ को नहीं पा सकती, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो रिश्ता है वो डिवाइनली गाइडेड है, भगवान ने बनाई है जोड़ी, तो वो टूटने से नहीं टूटेगी। तो ये चीज़ है जो अभी इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में।